नंदा जी डोला कर पानी दी दोवे वे मंगावे दवा सोया वे तादी कथे आई दोवे आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्किप नहीं करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप इस वक्त मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पर भी मुझे जो है ना फॉलो कर लें। रात को हमने सालन बनाया था आलू गोभी का, तो अभी नाश्ते का टाइम है, तो सुबह तक जो है ना ये थोड़ा सा आलू गोभी का सालन बच गया। तो मेरा दिल कर रहा था आज जो है ना आलू गोभी के बनाते हैं पराठे, तो सालन गरम तो नहीं किया, वैसे ही जो है ना एक बाउल में निकालने लगी हूँ जितना भी बच गया। और बाउल में निकाल के ना इसको थोड़ा सा मैंने मैश कर लेना है इसी चम्मच के साथ, अगर हो गया अच्छे से। इसके साथ नहीं जल्दी जल्दी होना, हमने करना है फटाफट। और ये लें जी, अच्छे से मैंने जो है ना फटाफट मैश कर लिया है। फटाफट मतलब समझते हैं ना, फटाफट। किस किस ने खाना है आलू गोभी वाला पराठा? आपने खाना है? आपको तो नहीं देना। सपारा किस किस ने परा है? अहमद ने परा है, अरमान ने नहीं परा। जिसने सपारा नहीं ना परा उसे नहीं मिलना पराठा। अभी देखना इसने ड्रामे करने जानबूझ के। इधर आ, अभी नाराज होकर चला गया। आलू गोभी जो है ना मैंने वो मैश कर ली है और हल्की हल्की नमक मिर्च और तेज़ कर दी है, और अभी इनको जो है ना बना के देते हैं पराठे। ठीक है, तू खाना है, तू खाना है। ना साथ साथ जाएगा। वाओ 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 वाओ, चेक करें आलू गोभी के पराठे। तू ही खा रहे पुत्र, तू ही खाएगा। हाँ अहमद हाँ सार जाएगा, फिर मान लिया कर एक दफा। ये चेक करें जी, पराठे के जो है टोटे कर दिए हैं पराठे के आपकी मामा ने। अहमद वो क्यों खाना है हूं, एक एक ये सारे ना तेरा तो बन गया है, और मान वाली दा हूं पुत्र तेरा ही पिया खराब हो गया। पहला पराठा हमारा जल भी गया और जो है ना वैसे भी खराब हो गया, वैसे भी जो है ना नक्शा ही बन गया था। अहमद अम्मी दिखा दी रोटियां, अम्मी दिखा दी रोटियां ने नहीं उंज। आजकल आसमान का व्यू जो है ना बड़ा मजे का लगता है, बादल बने होते हैं ना इस तरह, चेक करें कितना प्यारा लगता है आसमान, स्पेशली इस नुक्कड़ से चेक करें। लग नहीं रहा कि रियल में, लेकिन रियल में ही ऐसे। जो चीज मैं आपको दिखाने इधर आई थी छत पे, पहले व्यू दिखाने चली गई हूँ, इधर जो है ना मीना के काम चेक करना। इतना बड़ा हमारा घर है, इतना बड़ा, लेकिन इसे जो है ना इधर जगह मिली है बैठने के लिए। मीना कह रही हूँ, मीना का नाम याद आ गया है, गोरी। साथ ये बिजली की तारे हैं, उनके पास बैठी हुई है, मुंह में डाल ली है। गोरी ए मैडम, जिनको मीना का नहीं पता उनको बता दूँ, इससे पहले एक मेरी बिल्ली थी उसका नाम मैंने मीना रखा हुआ था। आ जाओ नीचे,
वो भी जो है ना इधर बैठ के ना सुकून वाली उसे नुक्कर मिली हुई है ना, कभी दिल कर रहा होता है ना कोई सुकून मतलब ऐसी जगह हो जहाँ बंदा बैठ के सुकून कर सके, मेरे ख्याल में उसे इधर जगह मिली है। वो भी जो है ना सामने का व्यू इंजॉय कर रही है, वो उधर सामने खेत में, ये जो खेत है ना इसके जो है वो एंड पे ना थोड़ा पानी जमा हुआ हुआ है उधर, तो उधर मेरे ख्याल में मछलियाँ बनी हुई हैं, तो बच्चे जो है ना इधर मछलियाँ पकड़ते रहते हैं। ए मैडम आ जाओ नीचे, मैडम नहीं आना, कह रही नहीं आना। चंबर ने मिसलने इसे अब उतारूं कैसे मैं, इधर देखो मीना नीचे उतरो उतरो इधर, वड्डी बिल्ली तरह टीठ है, उतर जा नीचे। और धूप भी जो है ना आजकल अपने मूड में है, कभी फुल कर कभी गिरने लगी थी मैं, और कभी जो है ना बादल बन जाते हैं फुल। चाहती है नहीं मारो, आ जाओ नीचे। ओए किन्नी आंख भरियां जे फिर भी पांच चक्र वाला, ये जो पानी है ना इतने लैके उतू कि नजर आंदियां नहीं पईयां, उधर से दिखा रहा है मैंने कहा दिखाओ, तो ये जो पानी जमा है ना इधर, ये जो है एक दो घर का नालियों का पानी जाता है और साथ में जो है बारिश का पानी जमा होता है। लिया ना है कि नहीं कह रहा नहीं, टपा कुछ ना हरो इन्ने हाड़े मुने रखे न वावा पूरा पिंजरा बनाया बिठाल ले बच्चे कढ़ाए ने मुंडा सा लालो ना रल के बिठा लिया करो भी पैसे कमा कमूगी फेमस नहीं होना फिर। अच्छा मैं कुकड़ियां पारे बिठा बिठा के फेमस होना है, नहीं उन्हें नाल डाय डाय के टप्पे सुना सुना के सुनायो आंटी एक टप्पा सुनायो। हेला मेंदा जी डोलावे चुती हो ते जायो ना ते तनु पावे पले जायो तला प्यार पायो ना, हेला मेंदा जी डोला कर बानी दी दोवे ले मंगावे दवा छोले ताजी कथे आई दोवे। आमीन आमीन। एक और छला में दाजी डोला खतिया दा बागोशी वे तेरिया यदाया वारा वे ताजे शिने उते दागोशी। वाह 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 बस तो देखे ना कितने हम तो देखे ना कितने अम्मी वो पैसे देख भेजे ना कितने अम पसरूर वाले। हाँ जी हेलो नहीं पसरूर वाल ने प्यार दे लीला की हो गई प्यार देन देन प्यार दे प्यार देन देन किन्नी कुवारी ला चल कुछ नहीं है। ये जो भी टप्पे सुना रहे थे ना मैं, ये ना हमारे गांव के नहीं है, गांव के इर्द गिर्द किसी पास से गांव से, और तकरीबन जो है ना आते ही रहते हैं इधर, एक हफ्ते या दो हफ्ते बाद चक्कर लगाते हैं, इस तरह आते हैं।
तो बड़ी अच्छी आदत है इनकी, आकर टप्पे जो है ना बड़े मजे मजे के सुनाते हैं। मैं टप्पे जो है लाजमी इनसे सुनती हूँ, टप्पे भी सुनाते हैं, नाते भी जो है ना बड़ी सुनाते हैं। अभी तो ये दो तीन ही सुनाए हैं, टप्पे अपने मूड में हो ना तो बड़े जो है ना गाने भी सुनाते हैं, नाते भी सुनाते हैं और टप्पे भी जो है ना सुनाते हैं। तो आमिश के साथ जो है ना बड़ा करती हैं, आमिश भी जो है ना आगे से बड़ा तंग करता है उनको। कुछ लोग उनकी बात की समझ नहीं आई होगी, तो हम सामने बैठ के सुन रहे थे ना, मैं आ रही थी, वो कह रहे थे कि आमिश मुर्गियाँ रखी हुई हैं ना, तो उन्हें पता है, तो आमिश को बता रहे थे कि मैं भी कुकड़ियाँ शुकड़ियाँ रखी हैं ना मुर्गियाँ, मैं बच्चे मतलब पारे बैठानी है उन्होंने, बच्चे कढ़वानी है लोगों की मुर्गियाँ लै के ना अंडे अंडे में उन्होंने को लैके लोगों को पारे बैठानी है, फिर जो बच्चे निकलते हैं अद्धे अद्धे कारण इस तरह की जो है वो बात कर रहे थे। पीछे से जो खर खर की आवाज़ आ रही है ना, वो जो है ना ये हमारे क्यूरियम की आ रही है, ये ऑन है ना, इसकी जो है ना गुर 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 की आवाज़ आ रही होगी। सब्जी वाला आ गया, सब्जी लेने का टाइम हो गया हुआ है, अभी सब्जी लेते हैं। केला 100 रुपये, कुछ गोभी है गोभी नहीं, सब्जी तो बस कद्दू तोरी पट्ठे आलू गोंगलू पालक, गोंगलू पालक पकाओ नवी सब्जी, कद्दू पकाओ तो चलो पुरानी। कद्दू किन्ने रुपए किलो जी? कद्दू 150 ते पट्ठे? पट्ठे भी 150, आलू पट्ठे ले लो जा, गोंगलू पालक ले लो, गोभी तो अच्छी जड़ी है ना महंगाई। अद्धा किलो देख रो कद्दू? अद्धा किलो कद्दू। हाँ जी, प्याज किस तरह जी? प्याज थोड़ा ही देनी है जी, दरमियान में तो अब ज्यादा देना है, थोड़ा दे दें। हाँ जी है ना, कद्दू 100 रुपये जी, प्याज है थोड़ा जा प्याज का रेट है किलो कर दो फिर। किलो करना है? एक माल्टा की करना है? नहीं जी भी खाते हैं, दो किने खाते हैं जी? दो अलग माल्टा अलग, एक 10 रुपये का वो मसाला पा दें। हाँ जी 100 का कर दो मसाला। ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਨੇ? ਅੰਮੀ ਗਏ ਜ ਸਰਗੋਦੇ ਗਏ ਜ ਸਰਗੋਦੇ ਪੈਨ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤਦ ਸੇਬ? ਸੇਬ 200 ਰੁਪਏ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। 2 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਕਰ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲਟੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਖੀਜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਚਾਚੂ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਕਰ ਦੋ। किन्ने हो गए जी? 100 ਦਾ ਮਸਾਲਾ 200, 290, 290, 340, 740। ਅੱਛਾ, 200 ਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੋ। ਕੇਲਾ 100 ਰੁਪਏ। सब्जी ले ली है, सब्जी वाले चाचू जी जो है ना हमारे अपने गाँव के ही हैं, गाँव में जो ना सेल करते हैं, दरवाजे के पास आते हैं, तो इधर से आराम से हम ले लेते हैं। बाकी रेट आपने देखे सब्जियों के, 2-3 के मैंने पूछे हैं, बैंगन का भी 150 रुपये किलो बताए थे, कद्दू मैंने लिए हैं इतने महंगे बता रहे थे 150 रुपये किलो, तो आधा किलो ही लिए हैं मैंने, तो प्याज 90 रुपये किलो कह रहे थे। तो बाकी जो है ना ज़ाहिर है फिर ले के पकानी तो होती है ना, फिर क्या करे बंदा, लेनी तो होती है जितनी मर्जी महंगी हो। 150 रुपये किलो कह रहे थे, मैंने आधा किलो लिए कि दाल डाल के ना फिर पका लेंगे, दाल तो है घर चनों की, हूँ सस्ती हो भी जाएगी ना थोड़े दिनों तक, लगता तो नहीं होएगी जब फॉर एग्जाम्पल अगर सस्ती हो भी जाए ना, हूँ जिन्ने रुपये मर्जी सस्ती हो सब्जी, पिंड वाले थोड़े दिनों तक जो है ना सब्जी पूछना भी नहीं करना हूँ।
फ्री भी देंदे होंगे ना, नहीं पुछना करना पता ही है तुहानू, पता है कि साग का मौसम जरा ना आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए ने, तो फिर अन्नी पा देनी है पिंडा आ रहा साग खा खा के, तो सब्जी नू पुछना कोई नहीं, तो मतलब यही कह सकते हैं कि हर गुजरता दिन जरा ना सानू साग दे कह रही हूँ साग के करीब लैके जा रहा है। बाकी कोई नहीं, खैर कर लें जितनी महंगी करनी है, हमने भी जो है अन्नी पानी है साग जो है ना आ रहे थे। और ये जो है ना क्या कहते हैं माल्टे, चेक करें फुल कच्चे माल्टे हैं जो कि गला खराब होता है खा खा के, एला फल इन्हों का की फायदा, वही सेब खा लेंगे। 50 रुपये के लेनी है, 50 रुपये के 4-5-6 माल्टे कच्चे, काला नमक हों फिर मजा आना है। बाकी रख चलो अरमान अली कहना उसे पहनने दो, आप दूसरा पकड़ लेना। अहमद और अरमान जो है ना आज घर वापस आने लगे हैं, 2 दिन जो है ना हमारे पास ठहरे हैं, तो आपको पता है स्कूल जाते हैं तो सैटरडे की और जो है ना संडे की छुट्टी थी, तो इसलिए जो है ना मिलने आए थे। तो अरमान अली तो स्कूल जाने लग गए, यूनिफॉर्म तो पहनना नहीं है। हैं चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, जल्दी जल्दी जाओ तो जल्दी जल्दी वापस आओ। हैं इधर देखो ना, जल्दी जल्दी जाओ तो जल्दी जल्दी वापस आओ। ठीक है अहमद, कपड़े गंदे घर भी लिए हैं, पकड़ लो। ओके जी, आप भी कर लो अल्लाह हाफिज़। जोश ठीक है, जाओ आमिर जो है जाने लगे, आराम से आओ, अभी मामू आ गए, आ जाओ। तो बाकी ये थी मेरी आज की छोटी सी मजेदार वीडियो, लेकिन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी गलती होगी तो हमारे साथ दो में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, जैनी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।